हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं मटर पनीर बनाने जा रही हूँ अपने घर में। मैंने सोचा शेयर कर दूँ। देखिए, 750 ग्राम मटर है, मैंने इसको बॉईल करके रख लिया है, अच्छे से धुल के रख लिया है। ये है पनीर जो हमने घर में निकाला है। पनीर हम लोग घर ही में निकाल लेते हैं, घर का बहुत अच्छा लगता है। ये हाफ के जी प्याज जिसे बारीक काट लिया है हमने, 3 टेबल स्पून जीरा लिया है मैंने, ये लहसुन और ये थोड़ा सा काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा है, और अदरक का टुकड़ा। और इससे मैं जीरा और काली मिर्च में खड़े पीस लेती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट बना दूँगी। ये देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, मैंने तेज़पत्ता डाल दिया, 1 टेबल स्पून जीरा, ये लाल मिर्ची, मैं 5 मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या अधिक तीखा जैसे पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। ये शुगर, बहुत थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और जल्दी मेरा प्याज ब्राउन हो जाएगा। ये थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके नमक कई बार ऐड करती हूँ मैं, इसको कुछ देर ढक दूँगी जिससे प्याज मेरा बहुत जल्दी भुन जाएगा। देखिए, पक गया मेरा प्याज, कलर कितना सही आया है। शुगर डालने से यही फ़ायदा होता है कि हमारा प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसमें पकने में टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे कुछ देर पकाऊँगी। जब लहसुन पक जाता है तभी मसाला ऐड करना चाहिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। मैंने इसको भून लिया, 2 मिनट तक मैं इसको भून ली। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी, हल्दी मैंने डाल दिया, अब मैं इसमें जीरा डालूँगी। मैं हमेशा जीरा और काली मिर्च सूखी पीस के डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, वास्तव में अच्छा बनता है। आप भी ऐसे डालकर देखिए एक बार। अब मैं ख़रीदा हुआ पाउडर नहीं डालती हूँ, रेडीमेड पाउडर नहीं डाल के मैं घर पे बना के डालती हूँ। ये लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको तीखा चाहिए, कम तीखा, अधिक तीखा जैसे चाहिए उसके हिसाब से। ये मैंने खड़ा मसाला लिया है, जावित्री, लौंग, जायफल, 9 लौंग ली हूँ मैं, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, कुछ दालचीनी का टुकड़ा है और सहजीरा, खसखस। मैं इतना ही मसाला यूज करती हूँ, मसाले तो बहुत होते हैं गरम मसाले में, लेकिन डेली यूज में हमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लेने चाहिए, नुकसान करता है। देखिए, मेरा पनीर भी फ्राई हो गया। मैं इससे गर्म पानी में नमक डाल के, मैं गर्म पानी की थी उसमें मैं पनीर को डाल देती हूँ, उससे स्वाद होता है। ये खड़ा मसाला मैंने इसमें कूट के डाल दिया, मेरा मसाला भुन चुका था। गर्म मसाला मैं लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। देखिए, मेरा मसाला भुन गया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, गरम पानी का मैं यूज करती हूँ। कोई भी सब्ज़ी आप बनाएं, कुछ भी, उसमें गरम पानी ही डालना चाहिए, उससे टेस्ट अच्छा आता है। मैं पानी गरम करके रख ली थी, उससे हमारा खाना जल्दी बनता है, पकता भी बहुत जल्दी है। देखिए, मेरा मसाला पकने में टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि पानी भी गरम था पहले से। कितनी जल्दी हो गई, मेरा मसाला पक रहा है। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, मेरा मटर हो गया, अब डाल दूँगी। मेरा मटर बिल्कुल पक चुका है, मैं इसको गर्म करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म बॉयल कर लेती हूँ जिससे मटर पकने में टाइम नहीं लगता है।
इसको थोड़ा और पानी डाल दो। हमारे यहाँ थोड़ा सा ग्रेवी लोग खाते हैं इसलिए मुझे पानी डालना पड़ रहा है। ये मैंने पनीर डाल दिया, अब सबको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद मेरा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा, मटर पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो पानी कम डालिएगा, जिससे और अच्छा बनेगा। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, देखिए मेरा मटर पनीर रेडी हो गया, बन गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरा पूरा वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ऐसे बनाकर देखिए। बाय।